याद आती थी। कहावत है दामाद जी, हम तो बिल्कुल चैन से सो ही नहीं पाए। बड़की भाव जी, आजा बहुत हो गया, नींद तो हमको भी नहीं आई थी, रात रात भर रोते रहते थे। इतना याद किया हमने तुम लोगों को, कहा बताए, रो रो के एकदम आंखें सूज गई थी हमारी। हमारी तो झपकी तक ना लगी है। अब आप सब लोग रोते ही रहोगे या मम्मा पापा को अंदर आने के लिए भी कहोगे? हाँ आएंगे, खाए नहीं आएंगे। हाँ संतोषी बिटिया, आज ना संतोषी बिटिया तुम्हारे मन का और दामाद बाबू के मन का खाना बनाएंगे। लेकिन माधुरी जो भी बनाना ना, कचौड़ी जरूर बनाना। हाँ लेकिन खाना हमारे पसंद का नहीं बनेगा, आज खाना बनेगा रुद्राक्षी के पसंद का। आज हम यहां पे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण। चलिए पूछिए पूछिए इससे, क्या खाओगे तुम? पापा मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। आंटी अब आप चलिए, मैं आपको आकर बताती हूँ। इंतजार कर रहे हैं, आ जाना बता देना, हम बना देंगे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस कांस्टेबल का हाथ टूट जाए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं देवी पौलमी मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? उतरा तेरे दिमाग का भूत, बता सच बता जल्दी। बिना जवाब लिए छोड़ना मत इसे। और ये बता, तेरे साथ जो तेरी क्राइम पार्टनर थी वो कहाँ है? नहीं बताऊंगी। तुझे क्या लगता है अगर तू नहीं बताएगी तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? कांस्टेबल अच्छे से खबर ले उसकी। आज इस बालिका के सुख शांति और साहस तीनों का अंत होगा। पुत्री इस नागपाश को हमारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर। लग रहा है कि देवी पौलमी के चमत्कार है। हाँ मां, अगर देवी पौलमी ने तुम्हें भेजा है तो जाओ, जाके रुद्राक्षी को खत्म कर दो।
मजा ना लग जाए हमारी बच्ची को। मामा डांस कर करके ना मेरे पेट पे चूहे डांस कर रहे, आप मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। चूहों के इतने हिम्मत, चूहों को हम अभी शांत कर देते। अच्छा कुछ भी कहो हैं, यहाँ आके तो मजे हो गए फिर से। नहीं ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के बर्तन में सोने की, चांदी के बर्तन में सोने का शरबत पीने को मिल रहा है। नहीं कांच का नहीं है, मुहावरा है। पियो आप बैग तो खाइए, हम अभी कुछ और लेकर आते खाने। बैग जाना। संतोषी, संतोषी खुद को संभालो प्लीज। अरे बच्ची हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम जानते हैं हमारी बच्ची को हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रुद्राक्षी की मृत्यु असंभव है क्योंकि वो महादेव का अंश है, हमें शीघ्र ही महादेव से भेंट करनी होगी। आप संतोषी के दुख को राह दिखाइए गौ माता। संतोषी संभालो अपने आप को बेटी। संतोषी बेटा, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता बेटा। रुद्राक्षी का हमारे साथ इस जिंदगी में बस कितना ही साथ लिखा था बेटे। कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को, बेहोश है अभी, उठ जाएगी ना। संतोषिया देखो अब बहुत देर हो गई है, रुद्राक्षी की अंतिम संस्कार की तैयारियां तो करनी है। एकदम चुप रहिए आप लोग। मत कीजिए ना हमारे साथ ऐसा, मत कीजिए। बेटी हमें वापस दे दीजिए माँ। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हमारा ममता भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। कहते रहे संतोषी, मैं यहाँ से गुजर ही रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज आई। तुम्हारे जैसे मुझे भी लगता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है। देखिए इस समय पे आप हमारे साथ खड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अब संतोषी को झूठा दिलासा ना दे, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं संतोषी को झूठी तसल्ली नहीं दे रही, मुझे सच में लगता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। संतोषी, संतोषी माँ की भक्त होने के नाते मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि तुम अपना सारा दुख संतोषी माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। हमें भी ऐसा लगता, माँ हमारी पुकार जरूर सुनेगी। ओम नमः शिवाय। श्री संतोषी देवे नमः। श्री संतोषी देवे। श्री संतोषी देवे नमः। श्री संतोषी देवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री संतोषी देवे नमः। श्री संतोषी देवे नमः। श्री संतोषी देवे।
श्री संतोषी देव नमः। श्री संतोषी देव नमः। दादाजी, देवी पौलु ने मेरे अंश पर प्रहार किया है, नागपाश प्रक्षेपित कर उसकी प्राण लेने की चेष्टा की है। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षा। देवी पौलमी की ये दुष्टता कि उन्होंने महादेव के अंश पर प्रहार किया। मैं किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करता। आप देवियां भी जाइए और देवी पौलमी का अंत कर दीजिए। प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। दादाश्री, आपके आदेश अनुसार हम देवी पौलमी को दंड अवश्य देंगे, किंतु इस समय आप रुद्राक्षी के जीवन की रक्षा करें। उसके प्राण संकट में महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नमः। इतना बड़ा केक मंगवा ना, आप कहें तो पूरी की पूरी दुकान मंगवा दें आपके लिए, सही रहेगा ना? अरे बाबू, हम तो इंस्पेक्टर साहब को बाहर ही रोक रहे थे, लेकिन ये है कि दंदनाते हुए आ गए यहाँ। मिस्टर धैर्य, एक्चुअली मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए मैं बिना बताया गया। कृष्णा और उसकी माँ कल रात जेल से गायब हो गए और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, इसलिए आप जरा सावधान रहिएगा। अरे संतोषिया बाबूजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम है ना पहरेदारी करने को। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमको भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है अभी। वेल, मेरा काम था आपको अलर्ट करना, वो मैंने कर दिया, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। लगता है कृष्णानी को अपनी शुक्रिया वापस मिल गई है। मामा, हाँ? सबसे ज्यादा तो आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि कृष्णा आंटी की सबसे बड़ी दुश्मन आप हो और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। कृष्णा का यहाँ आना हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है वो, और समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। कृष्णा किस हद तक जा सकती है, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें उसका। क्या बात है डॉक्टर साहब, रुद्राक्षी ठीक तो है ना? आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर आपने हमारी बच्ची हमें नहीं लौटाई तो हम आपकी भक्ति छोड़ देंगे। हमारी बच्ची जिंदा है। रुद्राक्षी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा रुद्राक्षी। कृष्णा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती,
हैरिसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। पापा क्या हुआ आपको? हाँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को, मैं तुम दोनों को खो नहीं सकता।